आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। हरियाणा विधानसभा के लिए आज चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। प्रचार के अंतिम दिन राहुल गांधी दो जनसभाएं करेंगे और इस बीच बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच सियासी वार पलटवार जारी है। आपको बता दें कि राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 5 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। आज प्रचार के अंतिम दिन राहुल गांधी नूह और महेंद्रगढ़ में सभाओं को संबोधित करेंगे और इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जीत का दावा किया है। ये हर जगह लोगों को भ्रमित करने के लिए, उनमें विश्वास पैदा करने के लिए एक काम करते हैं, लेकिन समझ चुके हैं लोग। पहले क्या होता था, पहली बार उन्होंने लोगों को बेखौफ बनाया, बन गए किसी वजह से। दूसरी बार भी वो उसी को लेकर चले, बन गए, लेकिन तीसरी बार बनाने गए नहीं हुआ। आपको मालूम है माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। अब यहाँ पर भी हैट्रिक की बात कर रहे हैं, वो नहीं होने वाला है। भारी बहुमत से हरियाणा में हम जीत रहे हैं और वहाँ एनसीपी और कांग्रेस का एनसी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो जीतेगा। हरियाणा में कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आज चुनाव प्रचार करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज कुरुक्षेत्र कैथल जींद में जनसभाएं करेंगे। इस बीच बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। खटाखट कितना वादा कर रहे थे, देंगे 2000 रुपये। महिला बना राहुल गांधी के, मैं आपको सावधान करता हूं, कृपया करके हरियाणा की महिलाओं के साथ छलना, धोखा देना, फरेब करना बंद करिए। अगर आप हिमाचल की बहनों को दे नहीं सके तो कृपया करके यहां बोलना बंद करिए। ये बात मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। राहुल गांधी जी, ये देश अब बहुत आगे बढ़ चुका है। सोशल मीडिया हो, टेलीविजन हो, कैमरा हो, आपकी एक एक बात रिकॉर्ड होती है और आपका टेस्ट भी होता है। तो बोलिए उतना ही लिखा कर सकते हैं आप। और अगर आप 1500 रुपये हिमाचल में नहीं दे सके तो यहाँ कहाँ से दीजिएगा, ये आपकी सरकार। इधर कांग्रेस राम रहीम को पैरोल देने पर बीजेपी सरकार को घेर रही है, जिसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, माननीय कोर्ट का विषय है किसको पैरोल देनी है किसको नहीं देनी है, ये कोर्ट का विषय है, सरकार का विषय नहीं है। ये मूत में से मच्छियाँ पकड़ते हैं और इनको कोई जानकारी नहीं है तो ये जानकारी रखें, हमारा कोई विषय नहीं है इसके ऊपर। माननीय कोर्ट किसको पैरोल दे रहा है किसको नहीं दे रहा है, ये कोर्ट का विषय, हमारा विषय नहीं है। आज पंजाब में किसान 35 जगहों पर रेल ट्रैक पर धरना देंगे। किसान संघ और खनौरी सीमाओं पर चल रहे मोर्चे की मांगों के समर्थन में और लखीमपुर खीरी की घटना में इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।